वेलकम बैक, मैं हूं मानसी और आप सभी देख रहे हैं सी लॉट न्यूज। उत्तर प्रदेश पुलिस को न्यू दिल्ली में संभावित आतंकी हमलों की सूचना मिली है, जिसके बाद राष्ट्रीय राजधानी में उच्च सुरक्षा अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ऑफिसर के अधिकारी के अनुसार कुछ लोगों को एक गुमनाम ईमेल प्राप्त हुआ था, जिन्होंने यूपी पुलिस को इस बारे में अवगत कराया था। अधिकारी ने कहा कि ईमेल कथित तौर पर एक आतंकी संगठन द्वारा भेजा गया था। ईमेल के बारे में विवरण उत्तर प्रदेश पुलिस ने दिल्ली पुलिस को भेजा था, जिसके बाद इनपुट पर कार्यवाही करते हुए दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को न्यू दिल्ली के सरोजनी नगर बाजार में निवारक तलाशी ली। इस बीच सरोजनी नगर मिनी मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक रंधावा ने मंगलवार को कहा कि सुरक्षा खतरों के कारण बाजार बंद रहेंगे। उन्होंने दावा किया कुछ सुरक्षा खतरों के कारण दिल्ली पुलिस से बाजारों को बंद करने और कड़ी निगरानी रखने के आदेश मिले हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस ने बाजारों को बंद करने के किसी भी आदेश को जारी करने से इनकार किया। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने कहा, हम बाजार को बंद नहीं करने गए थे, बस निवारक खोज करने के लिए वहां गए थे। सूत्रों का कहना है कि दिल्ली पुलिस ईमेल भेजने वाले का पता लगाने की कोशिश कर रही है और साथ ही ईमेल में उसके द्वारा किए गए दावे को भी खोजने की कोशिश जारी है।